आज मैं ड्यूक नहीं लेने वाला हूँ, आज मैं लेने वाला हूँ रॉयल फील्ड। ये लेके जाते हैं और चल के बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। सो हेलो गाइस, आ चुके हैं रोड पे और आज मैं हूँ बुलेट पे। इसका प्लान भी कैसा है, हम लोग रिंग रोड पर घूमने जा रहे हैं। हम लोग तो मेरे दोस्त होंगे, दो दिन आगे निकल गया है और ये मैं पहुँच चुका हूँ रिंग रोड के पास। और ये देखो प्लेन भी जा रहा है ऊपर ऊपर। मेरे साथ है मार्टिन सुषमा और ये है रिचर्ड और मेरे पीछे बैठा है अनीस। लगता है रिंग रोड को फिर से बनाया गया है, पहले रोड ऐसा नहीं था और बीच वाला लाइन भी गायब हो चुका है। रोड को फिर से बनाया तो बीच वाला लाइन भी बना देना चाहिए था। क्या बोला? हाँ मैंने देखा, रील बाजी चलेगी अब इसकी। हाँ हो जाता है, हमको तो डर लगता है फ़ोन को आगे हेलमेट में रखने के लिए। हमको तो ऐसा फील आता है ना कि फ़ोन गिर जाएगा उछल के। एक्चुअली मार्टिन अपना फ़ोन को हेलमेट के आगे में लगा के रील बनाने का शूट। रिप्ड जीन्स तो पहन पहन के उसको रिप्ड जीन्स बना दिया है क्या? ऊपर वाला तो पहले से रिप्ड था ना। यहाँ का घर सब देख रहा है ब्रो, एक नंबर। यहाँ का घर सब देख रहा है, एक नंबर बना दिया है। हाँ पहले पूरा यहाँ खाली था, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है रिंग रोड के बगल वाला एरिया सब भी। और ये देखो क्या हो गया इसका बाइक को, ऐसे ऑटो में डाल के ले जा रहा है। कुछ क्रैश हुआ होगा या फिर कुछ हुआ होगा। ऐसे एरिया में अगर बाइक भी ख़राब हो जाए ना तो वैसे ही डाल के लेके आना चाहिए, वरना कोई सीन नहीं रहेगा ठेल के लाना इतना दूर, क्योंकि आसपास हमको नहीं लगता कि कोई मैकेनिक भी मिलने वाला है। कुछ टाइम पहले का बात है, हम यहाँ आए थे अपने फ्रेंड लोग के साथ आए थे। उस समय मेरे पास था एक कैलिवर बाइक था, कैलिवर, और एक फ्रेंड था उसके पास स्प्लेंडर था या फिर वैसे कोई बाइक था और उसका फ्यूल ख़त्म हो गया था। और ये रूट में कोई पेट्रोल पंप नहीं था उस टाइम पे, हम लोग काफ़ी दूर ठेल के ले गए थे बाइक। तो देखो मामू बीच रास्ता मेरे दौड़ते दौड़ते जा रहा है, कौन सा गन है यार इसके पास। और अभी हम लोग को उस पहाड़ पे जाना है, वहाँ से आसपास का पूरा सब कुछ दिखता है, यहाँ से ध्रुवा डैम भी पूरा अच्छा दिखेगा। अभी हम लोग को रास्ता नहीं पता है, अभी हम लोग देखते हैं कहीं कहाँ से रास्ता होता है। को लगता है ये वाला रास्ता है, थोड़ा सा पार हो गए, हमको लग रहा है यही रास्ता है। क्या गूगल करेगा यार, यही रास्ता है क्योंकि और आगे में कोई रास्ता नहीं है, डायरेक्ट ये पहाड़ जाने वाला, हमको लग रहा है यही रास्ता है। आजा आजा इधर आजा, जा पूछ क्या। देख ये वाला रास्ता हो सकता है ऊपर जाने के लिए, एकदम गजब दिख रहा है, टेढ़ा कर दिया हैंडल तो। और मिस्टर मार्टिन आगे में फोन लगाते हुए, गिर गया ना गलती से फोन तेरा, हम बोल रहे गलती से फोन गिर गया ना, रोएगा। अच्छा चलो ठीक है तब। हाँ वही ना, हमको भयानक डर लगता है इसे फोन रखने में। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है ना, बारिश का मौसम था समझा, हम फोन आगे रखे थे और बात करते हुए जा रहे थे, अचानक से हमको लगा ना कुछ नीचे में अटका मेरा, गाड़ी के नीचे में हम नीचे देखे और फोन गिर गया और डायरेक्ट पानी में गिरा था। वैसा पानी नहीं, मतलब रास्ता में पानी बह रहा था, बारिश का टाइम था ना तो रास्ता में पानी बह रहा था, उसी में पानी में छप करके गिरा। हाँ हल्का सा बस उसका टेम्पर क्रैक हुआ था, हम फटाक से उठा लिए फोन। और मैं ये रूट में पहली बार आ रहा हूँ। हाँ एक चर्च भी है, चर्च में लगा हुआ है ताला, पूरा सब तरफ माइनिंग वाला प्लेसेस है, पहाड़ को तोड़ तोड़ के गिट्टी विट्टी निकाल रहा है। इधर से नहीं होगा यार, आगे चलो। यही ला रास्ता है, पूरा उबड़ खाबड़ है। ऐसा ऐसा रास्ता में हम अपना ज़्यादातर ड्यूक को हिलाते हैं, उसका ग्राउंड क्लियरेंस मस्त लगता है हमको और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी उसका ज़्यादा मस्त रहता है। रॉयल फील्ड क्लासिक में ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ चेक करते हुए मार्टिन के पीछे नहीं रहेंगे, स्लो हो जाता है बीच में। क्लासिक में बस ये है कि उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं रहता है, तो अगर पंचर हुआ तो
तो फिर बाद में तो दिक्कत ही हो जाएगा, पर होता नहीं है ऐसा जल्दी, क्योंकि जितना भी ऑफ रोडिंग बाइक्स रहता है किसी में ट्यूबलेस नहीं रहता है। अबे ये तो क्या नहीं मज़ा आया। अरे ये क्या है गाइस, नहीं मज़ा आया हमको। ए गाइस नहीं मज़ा आया, उधर दिखता तब तो चलो उधर चल तब। डॉगी डॉगी क्या बोल रहा है, कैसे नहीं जाएगा यार, सब जाएगा। तुम क्या लगता है सुषमा, गाड़ी जाएगा? अरे नहीं जाएगा भाई। हम सोचे जाएगा, लेकिन यहाँ तो पूरा। डॉगी तुम बनो हम लोग का गाइड और बताओ रास्ता कहाँ है, तुम तो यहीं का है ना, पूछ हिला रहा मतलब बताएगा। थोड़ा गाड़ी उधर रख देते हैं, घुड़क जाएगा साला झूठ मूठ का। ऐसे रखेंगे रिचर्ड मान और मेरा गाड़ी तेरा गाड़ी के ऊपर गिर गया। फिर चेपो हो जाएगा रिचर्ड का गाड़ी। हम लोग का गाइड डॉगी द गाइड, हम लोग कुछ ऐसा प्लेस से जा रहे हैं, थोड़ा फोन टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है। हाँ चाबी वाबी सब पकड़ा हूँ मैं, रिचर्ड को पूछ ले, छोड़ देता है बार बार अपना चाबी। ये क्या चीज़ का बाउंड्री है? हाँ ओ अच्छा अच्छा हाँ ना। मतलब एक सिंगल बाउंड्री खड़ा करके क्या करना चाह रहा था जैसे, और पहाड़ के अंदर क्या बना, बीच में क्या बना देगा? ताश खेलता है देख रही है यहाँ पर सब। अबे हम लोग इधर से भी आ सकते थे यार। अच्छा नहीं नहीं इधर से तो कुछ है उधर। हमारा गाइड हम लोग को यहाँ तक ले आया है इतने खूबसूरत से व्यू के पास। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी। अपन लोग का पूरा सामान यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है और यहाँ पर देरी हम लोग मस्ती मजा किए इस व्यू के साथ। चलो अभी वापस जाने का टाइम हो गया है, हमारा गाइड पहले से पहुंच चुका है यहाँ। थैंक यू फॉर योर हेल्प, चलते हैं हम लोग। गाइड यहाँ क्या करने का, अच्छा ठट्टी कर रहा है। और हमारा गाड़ी यहाँ कुछ इस तरह से खड़ा है, ज़ूम करके दिखाता हूँ। ऐसी ज़िंदगी हम छिप छिपाए, गिर रहे था क्या? चलो गार्ड, ओ गार्ड नहीं गाइड, चलो गाइड चलते हैं। अरे इसका पूछी सीधा यार। अरे अचानक से तो स्पीड घुड़कने लग गया। साइड से कटने वाला प्लेस था लेकिन रिचर्ड आगे आ गया है। यहाँ से मत उतारो, आगे घूम के आओ, यहाँ से अगर उतार देता उसका बेली पैन चल जाता। अभी उसको घूम के वहाँ से आना पड़ेगा। तभी हम लोग दूर से पानी को देख रहे थे और अभी हम लोग सामने आ चुके हैं ध्रुवा डैम के। कभी कभी ऐसा होता है हम जब बैटरी चेंज करते हैं तो साउंड नहीं आता है गाइस। और अभी शाम का हो गया है, 6 बज रहा है और काफ़ी अंधेरा हो चुका है। और यार सब तरफ का स्ट्रीट लाइट जल नहीं रहा है। हम सोचे सब तरफ का स्ट्रीट लाइट जलेगा तो ब्लॉग में अच्छा खासा लाइट रहेगा, पर अपोजिट स्ट्रीट लाइट थोड़ा बंद है। स्वच्छ भारत अभियान, हम लोग वहाँ जो जो कचरे किए थे अब सब कचरा डस्टबिन में डाला जा रहा है। हाँ बहुत ज़रूरी है, कचरे के साथ मोबाइल मत डाल देना अपना, घर जाके याद आएगा अरे अपना फ़ोन डाल दिए हम तो डस्टबिन में। फिर घूम के आएगी, सारा कचरा डाल दिया गया है डस्टबिन में, अब चला जाए। मैक्सिमम लोग क्या करता है, अपना बाइक कार सब कोने पे रख देता है और यहाँ पैदल चलते चलते आता है, क्योंकि यहाँ उतना बड़ा स्पेस नहीं है कि गाड़ी वाड़ी रखा जा सके। लाइट चल गया अचानक से, ये देखो 1 2 3 4 लोडिंग। रॉयल फील्ड में फ्यूल नहीं दिखाता है कितना है, बस जब रिजर्व होता है। ये देखो ये जो लाइट जल रहा है ना, ये रिजर्व वाला बटन
रिजर्व वाला इंडिकेटर है, ये चलता है मतलब गाड़ी रिजर्व में आ चुका है। अब देखते हैं कोई पेट्रोल पंप, वहाँ जाके भर दिया जाएगा फ्यूल। और गाइस पेट्रोल पंप आ चुके हैं, फ्यूल भर लेते हैं फटाक से। गाइस हो गया फ्यूल, फ्यूलिंग हो गया है। और ये देख रहे हो थार, पेट्रोल पंप वाले लोग का समझ रहा है पैसे ही पैसे, पेट्रोल पंप वालों के पास होते हैं पैसे ही पैसे। इसलिए देख लो एक थार यहाँ खड़ा हुआ है, एक टाटा सिल्वे में एक फ्यूल पंप है, उसका बाहर रहता है एक ऑडी का कार, ऑडी शायद Q7। तेल भरा कि नहीं भरा भाई, अभी भी ब्लिंक कर रहा है। बुलेट चलाने दे क्या, चला ले। और ये देखो पेट्रोल पंप में रिचर्ड कलाकार दिखाते हुए, अभी सो जाएगा फोटो लेते लेते। चलो निकला जाए, अब रिचर्ड को चलाना है बुलेट, तो मैं चला रहा हूँ R15। और R15 चला रहे हैं तो कैमरा एंगल थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। गियर का क्या है? गियर का सेम है, पहला नीचे बाकी ऊपर, बस इसमें पीछे वाला भी दे दिया है। अबे डबल वाला है, दम चाहिए बुलेट चलाने के लिए, समझा? लाइट है हल्के हाथों से नहीं होगा वो, हल्के पैरों से। अब हम लेंगे R15 का मज़ा। चलो सब सही है, R15 में ऐसा ना लाइट ही नहीं है, हेडलाइट इतना वीक दिया है इसका। हाँ पांच गियर, रिचर्ड को पता नहीं है अभी, बुलेट में होता है पांच गियर बस, वाइल्ड फेड क्लासिक 350 इसमें पांच गियर बस होता है। हेलमेट वाला मास्क पहना है इसलिए शायद मेरा आवाज़ थोड़ा दबा दबा आ सकता है। वापस से सिटी में आ चुके हैं, पूरा जाम ही जाम, बिग बाज़ार हो चुका है स्मार्ट बाज़ार। जब से स्मार्ट बाज़ार हुआ है मैं एक बार भी अंदर नहीं गया हूँ, तो सामान सब तो वही रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट शॉपिंग कब होगा, जो भी होगा बिग बाज़ार मतलब स्मार्ट बाज़ार से किया जाएगा। हमारे आते साथ यहाँ का सिग्नल खुल चुका है, ठीक है गुड नाइट गाइस। तो अरोमा के पास थे, अब चलते हैं वापस, दो जन निकल गया। हाँ तो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गाड़ी में हवा है कि नहीं, यहाँ से हवा चेक करा लेते हैं फटाक से।